हेलो तो भाई लोग, स्वागत है आप लोगों का आज के एक नए और शानदार ब्लॉग के। गाइस आज होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। और वो आप लोगों को पता है कि हमारे नेचर में भाई देखने लायक ऐसे ऐसे जगह हैं, जैसे कि कहीं मैदान है गाइस, तो कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं बड़ी बड़ी झील है, झरने हमने किताबों में पढ़ी है। वहाँ पे हमने रियल में जाके ट्राई नहीं किया कि कैसा है भाई एक्चुअली में जाने के बाद। गाइस जब हम उसको पिक्चर में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम यार वहाँ जाएंगे जरूर और देखते हैं एक बार, मजा लेते हैं। तो वैसे ही गाइस मैं अभी आप लोगों को लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार जगह, चोहिला वाटरफॉल के नाम से काफी ज्यादा फेमस है और लोग बोलते हैं कि यहाँ ये है ऐसा है वैसा है। गाइस तो मैं आज आप सब लोगों को चोहिला वाटरफॉल लेकर जाने वाला हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, कोई आइडिया कोई एक्सपीरियंस नहीं है गाइस, तो वीडियो पर बने रहना, हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं चोहिला वाटरफॉल। यदि चैनल पर नए हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर लो प्रेस, ऐसे ही नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग एंड डिफरेंट प्रकार के मजे फुल वीडियो देखने को। लेट्स गो, कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो। गाइस दिस इज रोड, ये है चोहिला पार्क जाने के लिए। यदि आप लोगों को जाना होगा तो आप सीधा सा ये वाला रोड से आइए, ये शेडोल से सीधा आता है और यहाँ पे मानपुर मकरा लिखा है, मकरा 2.60, इधर से ही सीधे आप लोगों को जाना है। इधर आप मत जाइए, ये है मानपुर वाला रोड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चोहिला प्रपात लिखा हुआ है, यहाँ पे देख पा बोर्ड में, यहाँ पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया मध्य प्रदेश। ये भाई ऐसे ही रोड है, उधर आप लोग जाएंगे तो उससे भी और बहुत बुरा कहा जाए तो बहुत ही बुरा रोड है, क्योंकि हम लोगों ने गया तो बहुत ही स्लो, यार क्या बताएं, कहीं गाड़ी फिसलेगा तो कहीं क्या होगा, लेकिन फोर व्हीलर भी जा सकते हैं। तो भाई लोग धूप काफी तेज लग रहा है, बहुत सारा कहा जाए तो समथिंग बहुत ज्यादा धूप लग रहा है यार, गर्मी का धूप है। और देख पा रहे हो कि ये है वो चोहिला वाटरफॉल जिसकी मैं बात कर रहा था कुछ समय पहले, जिसको हमने देखने के लिए आए। देख पा रहे हैं कि कितना खतरनाक लुक रख रहा है भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा। ओके तो हम सबसे पहले अभी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे अभी तक कोई दिख नहीं रहा है, देख सकते हैं कोई नहीं, समथिंग यहाँ लगभग 12 बजे की लगभग या 12 बजे से बाद ही यहाँ 1-2 बजे तक ही पब्लिक आता है, इतना जल्दी नहीं आ पाता है, बट हमने बहुत जल्दी पहुँच गया है।
महिलाएं लोग इधर ना आ रहे हैं भाई, डोंट थिंकिंग यू नेगेटिव राइट नाउ एंड मेल एंड फीमेल सी मी एंड एंजॉय द वीकेंड। यदि आप लोग जाना चाहे तो आ सकते हो, बहुत ही मजा आता है यहाँ पे। This is guys amazing, it is beautiful place, Johila waterfall देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने सारे पत्थर हैं यार, देख पा रहे हो चट्टान कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे, देखो कि ऐसा लग रहा है कि इनको किसी मतलब औजार से जैसे काटा गया है वैसे टाइप का देखने के लिए लग रहा है। और आप लोगों को पता है कि पानी में भी भाई इतना ताकत होता है, इतना शक्ति होता है क्यों भाई, किसी भी चीज़ को पत्थर हो चाहे पहाड़ हो सबको भी काट के ख़त्म कर देता है। अब मैं आप लोगों को इधर सामने एक पहाड़ दिख रहा है, पर्वत ये मतलब ये देखो ये पत्थर ही है। ओह बच गया रे भाई, मैं तो बच गया अभी नहीं कैसे, अभी तो मैंने फिसलने ही वाला था, बहुत ज़्यादा फिसल रहा है पत्थर देख पा रहे हैं पूरी तरीके से यार, कैसे चट्टान है चट्टान टोटली गए चट्टान है चट्टान है, देखो वाह अमेजिंग अमेजिंग, एक सोचने लायक माइंड में थिंकिंग पैदा कर रहा है देख के बाद। ऐसा होता है कि यार पानी इतने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे इस तरह से काट सकता है, और इसको काटने के लिए तो बड़ी बड़ी मशीनें भी मुश्किल पड़ जाती है उन लोगों को काटने में। यहाँ पे देखने वाले हो टोटली इधर भी एकदम पर्वत, ये भी देखो पत्थर कितनी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, ये देखो देखने लायक है थे जो अभी सारे के सारे चले गए हैं। ये है वो झरना जहाँ हमने काफी बहुत ज्यादा खेला यार, इतना कम से कम 4 से 5 घंटा 3-4 घंटे एकदम लगातार हमने कंटिन्यू इसमें इतना कूदे इतने कूदे इतने मौज मस्ती किए ना क्या बताओ, बहुत सारे लोग लड़कियाँ भी बहुत आई थी, बहुत इंजॉय किए। यदि आप लोग भी आना चाहते हो तो आ सकते हैं, यहाँ बहुत सारे पब्लिक रहते हैं, बट अभी सारे के सारे पब्लिक अब जाना चालू कर दिया है, आई थिंक इसे 1 बजे के लगभग 12:30 या 1 से स्टार्ट हो जाता है, जरा 2-3 तक रहेगा इसके बाद 3 से पूरा चलना चला चलो। आप लोगों को ऊपर जाके दिखाऊंगा कि क्या नज़ारा है ऊपर का, और यहाँ पे पत्थर वगैरह बहुत, क्योंकि लड़के लोग यहाँ पे अपना पिकनिक वगैरह मना रहे हैं, मतलब कुछ है अभी खाना बनाएंगे, इन लोगों ने काफ़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कूदा नहाया इंजॉय किया के बाद उन लोगों ने अभी खाना बनाना चालू कर दिया है, खाना बनाएंगे फिर खाएंगे शायद नोट।
ये गाइस यहाँ से देख पा रहे हो, वहाँ कहीं कितना है।